योगी सरकार अस्थि कलश यात्रा निकालकर अटल बिहारी वाजपेयी को देगी श्रद्धांजलि। यूपी के सभी जिलों में अस्थि कलश यात्रा निकालकर कई नदियों में प्रवाहित की जाएंगी अस्थियां। मॉरिशस में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में दिवंगत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। ग्रेटर नोएडा में दादरी इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। लखनऊ पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, सभी पर धमकाकर रंगदारी वसूलने का आरोप। वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में आया चोरों का गैंग, सीसीटीवी में कैद वारदात से हुई थी पहचान। नोएडा में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन, जूता मारो समारोह का किया गया आयोजन। योगी सरकार में खेल मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने कहा कि पाकिस्तान में सिद्धू को नहीं मिला सम्मान, मुझे इमरान का मिलता न्योता तो भी ना जाता पाकिस्तान। गोरखपुर में बकरीद के लिए लगे मेले में 5 लाख में बिका सलमान खान नाम का बकरा, पंखे की हवा खिलाकर हुआ सलमान का लालन पालन। मेरठ में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी पर जा रही मां बेटी पर दिन दहाड़े बरसाई गोलियां, महिला की मौके पर ही मौत, बेटी की बची जान। शाहजहांपुर में नदी किनारे पिकनिक मनाने गए 2 छात्रों की नदी में डूबने से मौत, एक शव को किया गया बरामद, दूसरे की तलाश जारी। सावन के आखिरी सोमवार में अमरोहा में आरएसएस की निकाली कावड़ यात्रा में जुटे कावड़िए, केरल में आपदा पीड़ितों के लिए चंदा जुटाने का लिया संकल्प।